अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू व्लॉग। माय नेम इज फ्रॉम शिराज और आप देख रहे हैं फ्रॉम व्लॉग्स ऑफिशियल। तुर्की का मौसम आज बहुत अच्छा और इस्तांबुल के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमारे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हम सबका यहाँ पे, मेरा और सबका खास तौर पे, और हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा है यहाँ ये बना हुआ है। तो आज का हमारा प्रोग्राम है इस्तांबुल सिटी टूर। तो देखते हुए हमारा ये जो टूर गाइड्स वगैरह ये हमारे को आज कहाँ घुमाने वाले हैं। आज बारिश का ही बोला हुआ है इंशाल्लाह इस्तांबुल में, तो इस्तांबुल की बारिश भी इंजॉय करेंगे। खुर्रम साहब जहाँ जाएँ और वहाँ बारिश ना हो ऐसा हो सकता है। चल झूठा। तो बड़ा अच्छा मौसम है, तो सीट वेट कर रही है लॉबी के अंदर और मैं आया था ज़रा बाहर, तो मैंने कहा ज़रा बाहर आकर ज़रा वीडियो बनाई जाए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चिल ठंडा वेदर है एट दिस टाइम, टेम्परेचर इज़ 20। ब्यूटीफुल वेदर फ्रॉम हेयर, ब्यूटीफुल प्लेस। और हम लोग कर रहे हैं हाइकिंग, नीचे उतर रहे हैं वंस अगेन। बड़ा ख़तरनाक है ये देखिए। ओए होए होए होए, वाह क्या बात है यार, बहुत ख़तरनाक है। नीचे उतरते हुए हमें डर लग रहा है लेकिन उतरना तो है, क्या करें। वो लोग सब गाड़ियाँ भी आ रही हैं, वो देखे भाई कितना नीचे जाना यार हमारे को। काफ़ी नीचे जाना यार हमारे को, तो ये तुम्हारा वजन कम हो जाएगा यहाँ पे। तो नीचे उतर उतर के हम लोग थक गए यार। कबाटा फेंडे की ये देखिए भाई, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं टू हाई, अभी वापसी जब हमने आना है तो यहीं पे जाना है। और मुझे डर लग रहा है कि हमने यहीं से जाना है, पता नहीं हम लोग किस तरह जाएंगे। ओह माय गॉड, वाह क्या सीन है, थक जाएंगे मुझे लग रहा है। 10 जगह पे हमारे को स्टे करना पड़ेगा तब हम अपने टस्किन स्क्वायर पर पहुँचेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग लोकल ट्राम पर सफ़र करने लगे हैं और ये भाई हमारे को यहाँ लेके आए हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट इन इस्तांबुल, कबाटा से हम लोग जा रहे हैं, देखें कहाँ पे। लोकल ट्रांसपोर्ट कबाटा या मेट्रो कह सकते हैं या ट्रेन कह सकते हैं, ये आ गई हुई है और ये यहाँ से जाएगी अब दूसरे स्टेशन पे। वाओ क्या बात है यार, क्या बात है, इसी में हम लोग अभी सफ़र करने वाले हैं। चलो सीट आ जाए, हमारी राइड स्टार्ट हो गई है और बहुत स्मूथ सफ़र है इसका। हिल रहे हैं जैसे हम अपने ट्रेनों में हिलते हैं लोगों, उसी तरह इसी तरह यहाँ भी हिला जा रहा है, देख ले। वाह मज़ा आ गया यार, ये तो पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए। ब्यूटीफुल सिटी और सारे का सारा इस्तांबुल जो है वो पहाड़ों पे बना हुआ है, तो हाइकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और बंदा थक जाता है। जो वॉक वगैरह ज़्यादा करता है, इसको चलने फिरने का शौक़ है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग इतनी वॉक यहाँ करते नहीं हैं और यहाँ पे आके हमारा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पर यह है कि बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा शहर है और इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन लोगों ने कर दिया यूरोपियंस ने आगे ज़्यादा महंगा कर दिया है। और टर्किश के दिमाग भी जो आसमानों पर चले गए हुए हैं। वाओ ब्यूटीफुल यार, ये आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत एरिया ये इस्तांबुल का कबाड़ी। इस स्टॉप पे आए हैं काराकोय, काराकोय स्टॉप है ये खारा। मज़ा आ रहा है लोकल ट्रांसपोर्ट का, गुड। वंस अगेन देखें भाई हम लोग मेरीना के पास यानी ब्रिज से हम लोग गुजर रहे हैं और दिस इज़ मेरीना जहाँ हम लोग आए थे, जहाँ से हम लोगों ने फेरी वगैरह ली थी और यहाँ पे सब लोग फिशिंग वगैरह भी कर रहे हैं यहाँ पे। जब जाएंगे तो पता लगेगा, सफिया और ब्लू आई डोंट नो, जब पहुँचेंगे तो पता चलेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, ब्यूटीफुल। सिख पाजी भी इतने साढ़े नाल नाल, वाह ब्यूटीफुल। टुडे वेदर इज़ वेरी गुड, चिल वेदर है ये देखें भाई। यहाँ पे 30 लीरा का ये मिल रहा है, 100 लीरा का 70 ग्राम्स। यहाँ पे सिम भी तो बहुत एक्सपेंसिव है।
ब्यूटीफुल। पासपोर्ट कौन सी मस्जिद पे आए हम लोग? ये ब्लू मॉस्क है, ब्लू मॉस्क आया सोफिया भी यहीं पे। ओके, दिस इज ब्लू मॉस्क और उसके बराबर में आया सोफिया। वी आर हियर, ब्यूटीफुल। वाओ, ब्यूटीफुल। और ये हमारे पाजी, वाह ब्यूटीफुल। गुरु कह रहे हैं हमारे कार्ड पे सस्ती पड़ती है अभी से। अच्छा, पहले नहीं पता था ना, हमें आइडिया नहीं था ना यार। हमारे पास कार्ड है ना, किमले उस पे सस्ती पड़ती है। कितने की मिलती है? पहले मैंने ली थी 440 लीरा इसकी प्राइस है। अच्छा, ये येलो सिर्फ टूरिस्ट को ही लूट रहे हैं यहाँ पे। टूरिस्ट को ही लूट रहे हैं, नहीं क्योंकि नॉर्मली पासपोर्ट पे आप लेते हो ना तो वो बंद भी हो जाती है, और जैसे आप पासपोर्ट पे यहाँ से सिम ली आपने 3 महीने के अंदर ना वो बंद हो जाएगी। सही, क्योंकि जितनी वैलिड आपकी वीज़ा है ना तो उसके डिपेंडेंट उसके डिपेंडेंट वो देंगे हमारे को। सही सही सही, आ जाए भाई इस तरफ से। ब्यूटीफुल, इससे मौसम अच्छा है। सिख भी नजर आ रहे हैं, बहुत गर्मी थी लेकिन मौसम फिर भी अच्छा, रात के अच्छा मौसम था। ब्यूटीफुल यार, ये हम लोग इस टाइम मौजूद हैं ब्लू मॉस्क के पास। बादल वगैरह आ गए ऐसे, बारिश हो जाएगी इंशाल्लाह दोपहर तक, हम एंजॉय कर लेंगे हम लोग बारिश। मैंने कहा है ना, जहाँ खुर्रम जाए और वहाँ बारिश, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बारिश तो मस्त है। ये असल में इस मस्जिद का नाम है सुल्तान अहमद। सुल्तान अहमद, ओके। ओटोमन एम्पायर का जो पहले बादशाह था यहाँ, जी सुल्तान अहमद, तो उसी के नाम पे ये मस्जिद है। ओके, तो उसी ने बिल्ड कराई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी वो 1609 से स्टार्ट हुई, तकरीबन ये 1616 में ये जाके कंप्लीट हुई। ओके, मतलब तकरीबन जो ग्राउंड ब्रेकिंग यहाँ से 415 ईयर्स अगो की है। हाँ, तकरीबन मतलब 425 साल ये पुरानी है। 425 साल पुरानी है, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, तो इसको ब्लू मॉस्क, ये सारे टूरिस्ट लोग कहते हैं ब्लू मॉस्क, ब्लू मॉस्क। इसके कलर की वजह से कहते हैं, इंटीरियर जो है ना टाइल वगैरह वो सारा ब्लू है, वो ब्लू ब्लू कलर की वजह से। सही सही, मैं ये बोल रहा हूँ ब्लू मॉस्क कहते हैं। इसका नाम है सुल्तान अहमद जामी, सुल्तान अहमद जामी मॉस्क, जामी ये मस्जिद को कहते हैं। हाँ, जामी मस्जिद को कहते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे जामी और है, और यहाँ पे मतलब ये कि जामी आप स्पेलिंग पढ़ेंगे ना CAMII लिखा। हाँ, वो सी को जे पढ़ते हैं ये लोग ना, जे पढ़ते हैं। आ बाग, और सी को जे और डी को डा, ए को आ करेंगे, आई को मतलब ई कहेंगे, मतलब जो साउंड वो प्रोनंसिएट करते हैं ना, जी जी जी, के हिसाब से वो करते हैं। सेम सेम चाइनीज के अंदर भी सेम यही है, ये चाइनीज से मुशावत रखते हैं इसका मतलब। यहाँ से एंट्रेंस है, ओके भाई यहाँ से है एंट्रेंस। उधर से भी आगे से भी गेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, 30 लीजा यहाँ पे, तो हम लोग आगे से जाएंगे। अच्छा, ये इसकी हिस्ट्री है सारी, सुल्तान अहमद मॉस्क। ये जो था ना सिफ्तार मोमन आगा, ये आर्किटेक्ट था यहाँ। अच्छा, 1609 से 1617 में ये हम दे दिए। सही 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 सही, तो ये जो रश है ये वीकेंड के वजह से रश है सारा। ओके भाई, दिस इज़ द क्यू, इस क्यू में लगे हुए हैं यानी मॉस्क में जाने के लिए। और रिजवान भाई यहाँ आप रहते हैं, कोई रास्ता निकालो अंदर जाने का। बीच वाला रास्ता निकालो, पाकिस्तानी है ना यार, बीच वाला रास्ता निकालो भाई। ब्यूटीफुल मॉस्क, बहुत लंबी क्यू है यार रिजवान भाई, तो मुझे लग रहा है पहुँचते पहुँचते एक घंटा लग जाएगा हमारे को, आधा घंटा तो पक्का है। हिस्ट्री को देख के मुझे बुरसा का ट्री याद आ गया, 610 साल पुराना, वो तो इससे ही बड़ा है यार, तो जिंदा है, जिंदा है, ये जिंदा है यहाँ पे डॉग्स। आपने
देखा होगा कि ये सारे लोग तकरीबन एनिमल लवर हैं। हाँ 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 वो भी मैं देख रहा हूँ ना, ये इतनी देखभाल, सिटी ऑफ कैट सिटी ऑफ डॉग में कहता हूँ इसको। ये आप देखेंगे जगह जगह मेट्रो स्टेशन में हर जगह बिल्लियाँ आपको मिलेंगे, कुत्ते मिलेंगे, मैं ये हर कुत्ते आप देखेंगे ना वो हाँ लगा हुआ है, लगा हुआ मैंने वही देखा है। सारे वैक्सीनेटेड है, मतलब कोई ये काटते भी नहीं है यार, काटने नहीं, आप जैसे कुछ निकालो आए ही खड़े हो जाएंगे आगे बस। हाँ, ये आदि नहीं है ना, मतलब कि नफरत के जैसे पाकिस्तान में होती है, मतलब हम कोई चीज देखते हैं तो उनको भगा लेते हैं। नहीं ये नहीं, ये सीधा आ जाएंगे, ना बिल्लियां डरती हैं ना कुत्ते डरते हैं, कोई चीज नहीं, नहीं नहीं आपने सो निकालना, आपके खुद ही खड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आप खुद डालो कुछ ना दो इनको, ये खुद ही आप देखेंगे जगह जगह पे अभी रेंडमली लोग वहाँ करते हुए जाएंगे, कोई कुत्ता भी देख लेंगे ना, कोई पेट शॉप होगा वहाँ से फूड वगैरह लेंगे इनके लिए, ऐसे ही देंगे इनको चले जाएंगे। सही सही सही, नॉर्मली मैंने यहाँ कसाब की दुकान है वो ऐसे ही लेग पीस उठा के अपने दुकानों के ऐसे आगे रख देते हैं, खा लेते हैं, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ बाहर दुकान पे ऐसे हमारी एरिया में दुकान है, क्यों में लगे हैं हम लोग, हम लोगों में जो लेडीज आ रही है वो सारी सारी मुस्लिम ही लग रही हैं, अब ये नॉर्मली सारे मुस्लिम है नहीं, गजब बेइज्जती है, लेकिन यहाँ पे सब ने दुपट्टे लिए हुए सरों के ऊपर है, सब मुस्लिम बने हुए हैं, अचानक से मुसलमान अचानक से मुसलमान हो गए भाई, मस्जिद में जाने अच्छा है यार, चर्च वगैरह में जहाँ भी जाओ ना तो वो लोग जैसे गुरुद्वारे में जाओ सिखों के, तो भाई अपना कैप पहन के जाओ, रुमाल बांध के जाओ, अपनी वो होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत अच्छा है, सबको पता चलना कि भाई मुस्लिम ट्रेडिशनल के अंदर ये चीज़ें हैं। एक सुरंग से हम लोग गुजर रहे हैं और ये हम लोग आगे भाई आया सोफिया का, यहाँ से एंट्रेंस है, दिस इज द एंट्रेंस, शूज़ वगैरह यहीं उतरेंगे हमारे, ओके यहाँ पर शूज़ वगैरह उतारे, इसी तरह शूज़ हम भी यहाँ उतारेंगे और शूज़ ले लेंगे अपने हाथ में। क्यों आप देख सकते कितनी बड़ी क्यों लगी हुई है, और ये है ब्लू मॉस्क की एंट्री एंट्रेंस, यहाँ से उन्हें ब्यूटीफुल मॉस्क, वाह क्या अच्छी ठंडी हवा आ रही है अंदर से माशाल्लाह, और ये देखो भाई ये है ब्लू मॉस्क माशाल्लाह। रिजवान अपना अपना घूमना है यहाँ पे, नहीं कोई मसला नहीं है, शूज़ वगैरह रखने हैं यहाँ पे कि हाथ में रखें, ओके थैंक यू। ब्लू मॉस्क की एंट्री हम लोगों ने दे दी है और रिजवान भी हमारे को हिस्ट्री थोड़ी बहुत बताते रहेंगे हमारे को साथ साथ, और बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद बनी हुई है, छोटा सा फानूस, और ये मैं आपको जो है ना 350 के एंगल से दिखाता हूँ, ये माशाल्लाह तकरीबन 1.25 थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह थी डेकोरेशन में, अच्छा अच्छा जैसे ये टाइल्स वगैरह, और तकरीबन ये जो इसका इंटीरियर है जी जी मोस्टली मतलब रिपेंट किया है, ये रिपेंट किया गया है ना, वो तो करना पड़ेगा जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने साल तक वो डल डल पूरी हो गई, ब्यूटीफुल लाइटिंग वगैरह पेंट वगैरह, और बाकी थोड़ा वो जो रिनोवेशन जैसे ऐसे चेंजेस वगैरह हैं, एज इट बिल्कुल ही नहीं है वैसी, अच्छा ओके 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 ओके। मीनार का भी आपको बताया, इसका एक मीनार जो है तो कुछ सेंटीमीटर हिल गया था ना नीचे जाने से, सही वक्त के साथ तो वो भी थोड़ा चेंज करा है, रिनोवेट कर रहे हैं इसको, सही। और ये एरिया ने बंद क्यों किया हुआ है भाई, नमाज वगैरह के लिए, जब प्रेयर एरिया इसलिए उसको बंद किया हुआ है, ये रहा एरिया ब्यूटीफुल ब्लू मॉस यार, बहुत खूबसूरत है, शीशों में काम देख रहे माशाल्लाह कितना खूबसूरत काम हुआ शीशों के ऊपर, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है और अंदर से ही बहुत खूबसूरत, ये ब्लू मॉस्क है, ब्लू मॉस्क उसको इसलिए कहते हैं कि बता दिया था मेरे दोस्त ने कि भाई इसके अंदर ब्लू चीज़ों का ब्लू टाइल्स और ब्लू बहुत ज़्यादा काम हुआ है इसलिए इसको ब्लू मॉस्क कहते हैं। सीट कैसा लगा आपको, मज़ा आया ना, चले अपना शूज़ लेते हैं निकलते हैं आ जाए, ब्यूटीफुल यार ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया, और रश आपके सामने है, इतना ज़्यादा रश है ये देखिए, स्टेटस बहुत ज़्यादा रश है यार माशाल्लाह, पब्लिक बहुत ज़्यादा देखने के लिए आई हुई है, फर्जी मुसलमान भी काफ़ी लोग यहाँ बने हुए हैं,
ये हम लोग मस्जिद के बैक साइड की तरफ आ गए हैं, जो बाहर वाला आता है। असल में ये फ्रंट साइड है। अच्छा, दिस इज फ्रंट साइड। ओके, हम लोग साइड से एंट्री थी और ये हम लोग अभी फ्रंट पे आ गए हैं बिल्कुल, ताकि व्यूअर्स आप लोगों को दिखाया जाए। ये भी ब्लू मॉस्क, रश आपके सामने है, टूरिस्ट आपके सामने है। सुबह 5-4 बजे से निकल जाते हैं टूरिस्ट और हम लोग निकले यहाँ तकरीबन 9:30 बजे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, दिस इज ब्लू मॉस्क, ब्यूटीफुल, वाओ वाओ यार वाओ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमारे को ब्लू मॉस्क के ऊपर। और टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और वाकई मस्जिद बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह से ये ब्यूटीफुल, और लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। अंदर काम भी मस्जिद के बहुत अच्छा हुआ हुआ था और हमारे को भाई रिजवान भाई ने अच्छा घुमाया और उसके बारे में हिस्ट्री वगैरह भी बताई हमारे को, और मैंने आप लोगों को भी बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। डॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हम नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। स्टे ट्यून्ड टिल देन, हाफिज़। अब हम लोग जा रहे हैं सोफिया मस्जिद की तरफ, उसका अलग से एक व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए डिटेल के साथ। बने रहिए हमारे साथ।